दोस्तों ये चीज आप सभी ने कभी ना कभी तो खाई होगी, लेकिन अब आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कुछ कॉटन कैंडीज का टेस्ट किया और उनको रोडामाइन बी नाम का केमिकल मिला है। ये बेसिकली कलर देने के लिए यूज किया जाता है। अब बार बार जब ये बॉडी के अंदर जाता है तो इससे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इसलिए पुडुचेरी ने कॉटन कैंडीज पर बैन लगा दिया है। लेकिन जिन दुकानदारों के पास फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्वालिटी सर्टिफिकेट है वो बेच सकते हैं, और ये बैन सिर्फ पुडुचेरी में है और किसी स्टेट में नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि सिमिलर बैन नेपाल ने भी लगाया है और वहां भी रीजन यही केमिकल है।